बहुत ही अच्छा लग रहा है ऊपर जाने में। और हम लोग पहुँचने वाले हैं, देखिए अब हम लोग चलना स्टार्ट कर देंगे तो आ जाएंगे आसानी से। देन हम यहाँ पहुँच चुके हैं दोस्तों, ये सब चीज़ मिला हुआ है ना, बैलगाड़ी करने का जगह एक ही है, इसलिए हम लोग कहीं से भी उतर रहे हैं कूद कूद कर। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं दिल से एक नए वीडियो के साथ। तो आज का सफर विक्रम शिला के नाम। दोस्तों अभी हम स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, यहां से हम टिकट कटाएंगे। यहां पे ऑनलाइन टिकट भी मिलता है, भागलपुर स्टेशन है और यहां से हम लोग जो है ऑनलाइन टिकट मिलता है। देख सकते हैं हमने पीछे स्टेशन काफ़ी बड़ा है और अंदर जाएंगे हम लोग, दिखाएंगे आपको अंदर में जैसे टिकट ऑनलाइन करता है तो कैसे कैसे कटेगा वो भी चीज़ बताएंगे। और फिलहाल हम लोग अंदर जाएंगे, देखेंगे टिकट का प्रोसेस क्या है। यहाँ देखिए टिकट का ऑनलाइन प्रोसेस है, हम टिकट ऑनलाइन ही लेंगे क्योंकि ऑनलाइन टिकट लेते हैं तो उसमें कुछ कॉस्ट कम पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा लोगो बना हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले ट्रेन को हम चेक कर लेते हैं कि विक्रम शिला के लिए है कि नहीं। तो विक्रम शिला यहाँ पे है दोस्तों, देखिए विक्रम शिला दो गाड़ियाँ, एक 7:45 में जो कि अभी है टाइम और एक 8:47 में है। जयनगर गाड़ी के नाम है, जयनगर एक्सप्रेस साहिबगंज जाएगी और इसी का हम टिकट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको होम पेज पर जाएंगे। यहाँ से हम सबसे पहले बुकिंग पे क्लिक करेंगे, फास्ट बुकिंग पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारा आ जाता है विक्रम शिला। ये रहा विक्रम शिला और विक्रम शिला ये गाड़ी का 10 रुपये लग रहा है, हमको 2 टिकट लेना है। ठीक है, प्रोसेस कर लेते हैं एक टिकट का, यहाँ पे QR स्कैन कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से आपको एक QR कोड, इसको हम स्कैन करके पर्चे रिचार्ज करेंगे इसमें। ये रहा मेरा स्कैनिंग, जैसे किए यहाँ पे 10 रुपया सेंड जैसे करिएगा, देखिए पेमेंट सक्सेस। देखिए यहाँ पे आ गया, अगर आप जाते हैं दोस्तों टिकट अवश्य लेने, 10 रुपया टिकट है, टिकट आप लेके जाइए अच्छा रहता है क्योंकि जो है इस तरह से ही चलता है हमारा देश ईमानदारी से ही। तो चलिए मिलते हैं ट्रेन में। दोस्तों हम टिकट ले चुके हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आप टिकट को ऑनलाइन अगर ले लेते हैं तो अभी हमको 1 घंटा लेट है क्योंकि हम लेट हो चुके हैं, गाड़ी छूट गई है मेरा। अभी हम यहाँ पे 1 घंटा इंतजार करेंगे, दूसरी गाड़ी है, दूसरी गाड़ी से हम लोग जाएंगे जयनगर एक्सप्रेस, उसी से जाएंगे। तो हम अभी स्टेशन का जो भी चीज़ है हम स्टेशन पे आपको दिखाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के साथ। तो चलिए हम स्टेशन घूमते हैं। ये रहा मेरे पीछे दोस्तों लिफ्ट, शानदार, ये देख सकते हैं। यहाँ से ऊपर जाएंगे, 6 नंबर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गाड़ी लगी हुई है। ओ माय गॉड, दोस्तों हम लोग लिफ्ट पे ऊपर जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है ऊपर जाने में। और हम लोग पहुँचने वाले हैं, देखिए अब हम लोग चलना स्टार्ट कर देंगे तो आ जाएंगे आसानी से। देन हम यहाँ पहुँच चुके हैं दोस्तों, हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ से लिफ्ट बहुत ही अच्छा, लिफ्ट का अलग ही मज़ा है आने में। और फिर हम लोग यहाँ आ चुके हैं, यहाँ से देखिए बाहर निकलने के लिए इधर है, बाहर जाने के लिए, और इधर प्लेटफॉर्म नंबर 6 तक यहाँ पे लगा हुआ है टोटल 6। हम लोग 6 पे जाएंगे, 6 पे गाड़ी आने वाली है जयनगर एक्सप्रेस, शायद लगी होगी, आने वाली नहीं लगी होगी गाड़ी। हम लोग यहाँ से आपको सीन दिखाते हैं स्टेशन पर से, ये देखिए मेरे पीछे भी सकते हैं, यही है प्लेटफॉर्म नंबर 6। यहाँ पे भी लिफ्ट लगा हुआ है नीचे जाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये लास्ट में है और आखिरी में ये प्लेटफॉर्म है 6, प्लेटफॉर्म नंबर 6। यहाँ पे लिफ्ट है नीचे जाने के लिए, यहाँ से पैदल यात्री के लिए नीचे जाने के लिए रास्ता है। इस लिफ्ट से नीचे जाएंगे, चलिए कम हो गए, देन इसको आ गया है ग्राउंड फ्लोर, गेट खुलेगा। माय गॉड, उल्टा खुल गया दोस्तों, हम तो पोपट बन गए, खुलने का उस साइड खुल गया, इस साइड ग्राउंड फ्लोर आ गए। ये रहा ग्राउंड फ्लोर, इंतजार कर रहे थे कि आगे का दरवाजा खुलेगा, यहाँ उल्टा खुल गया। अब हम सोच रहे दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा भाई, मेरे साथ तो हम पोपट बन गए। इस साइड में हम खड़े थे, इधर से इनके लेफ्ट साइड में। अभी हम स्टेशन पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे साथ में कुछ खाए नहीं थे तो हम सोचे कि कोई फल फ्रूट खाना चाहिए, सब मॉर्निंग में अच्छा होता है सेहत के लिए। तो
स्टेशन पे देखिए एक भी आदमी नहीं है, एक दो आदमी हैं हम, जैसे कि ये है हम है। ये स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे जो है ना भीड़ बहुत कम लगता है। अभी तो मेरा पॉपअप हो गया वहाँ पे लिफ्ट में, जिस साइड से हम चढ़े थे सोचे कि उधर ही खुलेगा तो उसका विपरीत खुला। हम इंतजार कर रहे हैं भाई लिफ्ट में, गेट का ही ना खुल रहा है, पीछे गेट का खुल गेट खुल गया था, अंदर में ही थे बैठ उस साइड खड़े। आज फिलहाल हम लोग कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। पेट पूजा के लिए जो है देख सकते हैं अंगूर और भी है कुछ सेब वगैरह खाएंगे। फिलहाल हम लोग सही से बैठ चुके हैं, सीट मिल चुकी है। बाय बाय। फाइनली दोस्तों, तो आखिरकार हम जो है दोस्तों यहाँ पे पहुँच चुके हैं विक्रमशिला स्टेशन पे। आप देख सकते हैं यही प्लेटफॉर्म है, इधर से गाड़ी आती है। अभी हम फिलहाल यहाँ पे पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे विक्रमशिला बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, एक तरह से कहीं भी आदमी उतना नहीं मिलेगा, एकदम पूरा सन्नाटा शांत गाँव एरिया है। यहाँ पे देखने के लिए माहौल शांत है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और वहाँ पे जाएंगे, अभी धूप है थोड़ा सा तो कहीं हम लोग बैठ के आराम करेंगे थोड़ा सा, जब धूप ठंडा होगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। विक्रमशिला जो स्टेशन है उस जगह से हम लोग होटल में नाश्ता किए और देन वहाँ के नाश्ता करने के बाद फिर कुछ दूर पैदल आए। पैदल आने के बाद जब विक्रमशिला की तरफ हम लोग आगे बढ़े तो एक भैया टोटो लेके आ रहे थे पीछे से, तो हमको वहाँ से मिला टोटो। तो फाइनली हम जो है दोस्तों टोटो पे बैठ चुके हैं और उस जगह जहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ से मैक्सिमम 5 किलोमीटर दूर विक्रमशिला खंडर वो, ठीक है, खुदाई स्थान है, 5 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग बैठ चुके हैं, प्रत्येक आदमी 20 रुपया के हिसाब से वहाँ से लेते हैं और जो है वहाँ विक्रमशिला खंडर छोड़ देते हैं। कौन चौक हुआ ये? चांदनी चौक, रानी दियारा इसी को बोला जाता है ना। तो दोस्तों आखिरकार हम लोग विक्रमशिला जो है खुदाई स्थान हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अंदर घुसने से पहले जो है यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा आपको, एक टिकट एक आदमी का 25 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, देन आप उसके बाद आप अंदर घुस सकते हैं। अब देख मुश्किल से मिलता है टोटो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से कोई साधन नहीं है आने का, ट्रेन आती है तो अगर आप आते हैं तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए लगा हुआ अभी कुछ दुकान बाहर में खाने पीने का जो चीज़ है वो यहाँ पे लगा हुआ, खाने पीने का चीज़ यहाँ मिल जाएगा, आप अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर आप टिकट लेकर के देख सकते हैं, यहाँ पे टिकट काउंटर है, ये लोग टिकट पहले लेंगे। देखिए इस तरह का टिकट होता है, 2 टिकट आपको देगा अंदर जाने का परमिशन। तो चलिए अंदर चलते हैं, खुला खुला जगह है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये वीडियो में हम काफ़ी सारे जानकारियाँ देंगे आपको। यहाँ पे जो है म्यूज़ियम, आप विक्रमशिला संग्रहालय है, यहाँ पे जो भी चीज़ खुदाई के दौरान मिला है वो सारा चीज़ यहाँ पे संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, हम लोग पहले संग्रहालय घूमेंगे उसके बाद जो है हम आगे में जाएंगे खंडर के पास। ठीक है, संग्रहालय वाला गार्डन है ये बना हुआ, ठीक ठाक। हम लोग थोड़ा सा धूप में आए हुए हैं, धूप में थोड़ा सा, ठीक है, इसीलिए हम लोग पहले अभी संग्रहालय घूम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे घूमने के बाद जो है हम लोग बाहर जाएंगे संग्रहालय अंदर जाने का। इसमें लिखा हुआ कुत्ता पक्की मिट्टी, मत डर मत, कछुआ पक्की मिट्टी, चिड़िया पक्की मिट्टी का नाम है। सब पक्की मिट्टी का बना हुआ है, ये बोल रहा है पक्की मिट्टी का बना हुआ है इतना सारा चीज। यही वो सब चीज था इस तरह का, इसमें लोग यहाँ यहाँ इस तरह का देखिए बना हुआ है। हाँ, ये सब चीज़ मिला हुआ है ना, बैलगाड़ी शिलालेख यहाँ पे मिला हुआ है। कि कौन कोई सम्राट है वो तलवार लेकर के है ना, कम बात है, कहाँ से कलाकृति है, कहाँ से कलाकृति का सब कासा का मिला हुआ है यहाँ पे मिला हुआ। ये हड्डी दांत और हड्डी
दांत की वस्तु है? हड्डी का दांत, शंख वगैरह जो है, शंख की कुछ कलाकृति, शंख शंख है। ये जो पासा खेलता था ना वो है बनाया, पासा खेलने वाला था ना राजा लोग का खेल, हड्डी का बना हुआ है, पता नहीं। हाँ हड्डी का। भौतक का जो ग्राउंड है, गार्डन है, यहाँ काफ़ी फूल अच्छा अच्छा लगाया गया है ताकि खूबसूरत लगे, और जो भी खुदाई के दौरान मिला है वो सभी संग्रहालय में रखा गया। अंदर में वीडियो बनाना बिल्कुल मना है। जाते हैं खुदाई स्थान पे। धूप में वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि दोस्तों 4 बजे मुझे फिर से गाड़ी, यहाँ 4:30 बजे विक्रमशिला स्टेशन से भागलपुर के लिए गाड़ी भी है, तो हमको वो गाड़ी पकड़ना, इस वजह से हमको धूप में बनाना मेरा मजबूरी हो जाता है। आज की भूमि पे ये शिक्षा का जो केंद्र है, ये बिंदु जो है, देखिए ये देखिए कितना बेहतरीन सा बना हुआ है, देख सकते हैं ये इस तरह के कुछ पत्थर का बनाया हुआ जो खुदाई के समय हो सकता है मिला होगा, वो सब चीज़ यहाँ पे है, काफ़ी अद्भुत है। हम लोग घूमने के पर्पज से नहीं आए, बल्कि जो प्राचीन जो संस्कृति था भारत का, जो विरासत में मिला हुआ ये चीज़ है, ये शिक्षा का केंद्र था, प्रसिद्ध था केंद्र, ठीक है, पूरे विश्व में विक्रमशिला विश्वविद्यालय और एक नालंदा विश्वविद्यालय, और उस समय जो पाल वंश थे उसके ही समय में ये बने हुए थे, उसी के समय से ये हैं। और यहाँ पे करीब 3,000 स्टूडेंट जो है दोस्तों यहाँ पे पढ़ता था, और यहाँ पे जो है धर्मपाल के द्वारा ये निर्माण हुआ था, ये शिक्षा का केंद्र यहाँ पे कुछ बना हुआ है, कुछ तो हमको समझ में नहीं आता है, बहुत सारा चीज़ इसमें इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से कि काफ़ी चीज़ है इसमें जो रहस्यमय है एक तरह से, ठीक है। ये स्तूप है दोस्तों, यहाँ पे मनौती स्तूप इसको बोला जाता है, इस एरिया को महाबिहार के बारे में लिखा हुआ है। यह बिहार भिक्षुओं के निवास हेतु निर्मित एक विशाल वर्गाकार संरचना है, जिसकी प्रत्येक भुजा 333 मीटर है। इसके केंद्र में ईंट से निर्मित एक स्तूप अवस्थित है, जिसका आधार एक क्रॉस के समान, जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ था उस पर जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं ना, वो स्पष्ट मेरे दिमाग में, वो दिमाग से बाहर होते जा रहा था, इसीलिए हम कुछ जानकारियाँ जो है पेपर पे लिख करके हम लाए हैं, जो कि हम लोग को आम बात है जानना और जानना चाहिए। एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आप एक छात्र हैं तो आपको यहाँ से ये चीज़ को जानना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था, प्रसिद्ध था, ये पूरे विश्व भर में आप लोग जानते हैं चीज़ को। देखिए ये विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, ये प्रसिद्ध था विश्व में। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, मैं कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ, उस शायद आपको पसंद आएगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयों में दोनों पाल राजवंश के राजकाल में शिक्षा के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। मैंने कहा ये जो है ना पाल राजवंश जिस समय था उस समय वो उसका स्थापना नहीं हुआ है धर्मपाल के द्वारा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि राजवंश राजकाल जो धर्मपाल का जिस समय राजकाल था यहाँ पे, उस समय नालंदा का भी प्रचलन था उसी के समय में, ठीक है। तो उनके राजकाल में शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था ये जगह, ठीक है। अगर इसका स्थापना का बात करें दोस्तों, तो इसका स्थापना 7वीं शताब्दी में पाल वंश के राजा धर्मपाल के द्वारा किया गया था, ये जगह जहाँ पे हम अभी खड़े हैं वहाँ किया गया था। मान्यता है कि ये जो खंडर है, ये खंडर को बख्तियार खिलजी नामक आक्रमणकारी द्वारा सन 1993 के आसपास जो है इसे नष्ट कर दिया, ये ऐसा मान्यता है, खिलजी के द्वारा ऐसा मान्यता है कि इसे नष्ट किया गया है। यहाँ पे अगर दोस्तों हम बात करें विद्वान की लंबी लिस्ट है, यहाँ पे जो पढ़े हुए हैं उसमें लंबी लिस्ट है विद्वान का, उस लिस्ट में एक नाम है दीपांकर श्री ज्ञान, आप लोग इस नाम से बड़ी अवगत होंगे। इनके द्वारा जो है दोस्तों ये प्रसिद्ध थे विश्व में। तिब्बत के साथ शिक्षा केंद्र का प्रारंभ से ही विशेष संबंध रहा है, तिब्बत के साथ, इस जगह से जहाँ अभी खड़े हैं हम, इस जगह से शिक्षा को लेकर के तिब्बत का विशेष संबंध रहा है इस जगह से। ये जो जगह है दोस्तों ये अंतिचक में पड़ता है, जो कि विक्रमशिला अंतिचक में, ये अंतिचक में ये बनाया हुआ विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये है यहाँ पे। दूसरा है कुछ और जानकारी हम आपको आपके साथ साझा करना चाहेंगे। यहाँ के संस्कृति को विद्वानों के द्वारा तिब्बत भाषा में अनुवाद किया गया है, यहाँ का संस्कृति जो भी है वो तिब्बत के भाषा में अनुवाद किया गया है, ठीक है। और है 12वीं सदी में इसमें पढ़ने वाले जो 12वीं सदी था उस समय पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या 3000 थी, 3000 से अधिक यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे साक्ष्य मिला है। इसमें प्रवेश के लिए पहले विद्यार्थी को एग्ज़ाम देना पड़ता था, प्रवेश इस महाविद्यालय में कोई भी स्टूडेंट अगर पहले पढ़ना चाहता था तो उसको पहले अपना एग्ज़ाम देना पड़ता था, एग्ज़ाम दे करके इसमें नामांकन उनका होता था, वैसा व्यवस्था था इसमें। अध्ययन का अगर हम बात करें तो अध्ययन में दोस्तों यहाँ पे व्याकरण पढ़ाया जाता था, न्याय दर्शन तंत्र विशेष करके पढ़ाया जाता था, इसमें विशेषता थी। और यहाँ पे जो डिग्री मिलता था दोस्तों, वो डिग्री जो है बंगाल के राजा के द्वारा मान्यता प्राप्त होता था कि हम यहाँ पे जो भी पढ़ा है, यहाँ से जो भी पढ़ के जाता था उसको डिग्री मिलता था बंगाल के राजा के द्वारा, ऐसा है, उपाधि देता था वहाँ का बंगाल का राजा। दोस्तों ये जो जगह है दोस्तों, ये भागलपुर स्टेशन से 19 मील दूर है, दूर पर स्थित है अंतिचक, ठीक है, गंगा नदी के तट पर ये है,
ठीक है, खंडर है, मूर्तियाँ सब यहाँ पे बहुत सारा मिला, जैसे कि आप लोग संग्रहालय में, आपको आपके साथ कुछ वीडियो हम शेयर करेंगे संग्रहालय में। वैसे सेल्फी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब अलाउ नहीं है, फिर भी हम चोरी छुपके बनाए हैं आप लोग के लिए, बहुत रिक्वेस्ट भी किए पर अलाउ नहीं किया। 1203 में बख्तियार खिलजी द्वारा, जैसे कि आप पहले हम बता चुके हैं, नष्ट किया है। यहाँ बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म और दर्शन के न्याय तत्व सब के बारे में पढ़ाया जाता था, ये सब हम लिख के लाए। यहाँ पे लाइब्रेरी का भी सुविधा था दोस्तों, और 200 से अधिक ग्रंथ की रचना भी हुआ है यहाँ पे। बुद्ध पूर्व मध्य युग में इसके अतिरिक्त कोई अन्य शिक्षा का केंद्र नहीं था, ऐसा मान्यता है। इतना सारा रहस्यमय जानकारी यहाँ पे छिपा हुआ है। उस जगह पे हम लोग आए हैं घूमने के लिए, बल्कि हम अपना संस्कृति को देखने के लिए आए कि आखिर शिक्षा का केंद्र था तो कैसा था। आज तक हम इससे पहले कभी भी यहाँ नहीं आए थे, पहली दफ़ा आए हैं, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। और भी बहुत सारा चीज़ है जो कि हम लोग चाहते हैं कि हाँ आप लोग के साथ साझा करें, तो चले उस ज़माना में। ओह माय गॉड, मेरी वाइफ का कहना है कि उस ज़माना में अगर हम लोग रहते तो यहीं पे पढ़ने के लिए आते हैं, ना सही बात है ना। चलो हाँ, अच्छा ये कक्ष है क्या? अच्छा ये कक्ष ऐसा है कि लगता है कि कक्ष है, यहाँ से जो है भाषण वाषण देते थे ना। लेकिन एक सामने में ऊपर में क्या है फिर? तो ये हो सकता है दीवार होगा, ये अलग हॉल होगा, हो सकता है। अच्छा चलो अंदर चलते, आओ चलिए दोस्तों हम अंदर चलते हैं। देखिए कितना ही बेहतरीन है उस समय पत्थर का, देखिए कितना बड़ा अद्भुत पत्थर को काट करके इस तरह से बनाया गया था। देखिए यहाँ पे कुछ और भी है वर्गाकार करके बनाया हुआ। देखिए ये पूरा जो है ना, ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है ये रूम है, ये देख रहे हैं ना, ये आपको वहाँ से लेकर के पूरे वहाँ से उस एरिया से लेकर के स्टार्ट हुआ है, ये सब रूम है। ये इतना जितना अभी 10x बोलते हैं उससे बड़ा ही रूम, 10x10 का ज़्यादा है। यहाँ पे इस तरह से रूम बना हुआ था पूरा, अब देख सकते हैं जहाँ तक आपको जा रहा होगा मेरा हाथ का उंगली वहाँ तक ये बना हुआ है। वो आदमी जा रहा है लास्ट में, वहाँ तक ये रूम बना हुआ है। अरे 3000 स्टूडेंट रहता होगा, तो हो सकता है वो कक्ष, हो सकता है प्रधान अध्यापक सब जो टीचर वगैरह था वो उनका होगा, हो सकता है इस तरह से। बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही बड़ा खंडहर है ये जो हम अभी इससे पहले बात किए। प्राचीन पुस्तकालय जो है दोस्तों, लाइब्रेरी जिसका बोल सकते हैं मुख्य स्तूप, और देन यहाँ पे प्राचीन पुस्तकालय का यहाँ पे कुछ काफ़ी खूबसूरत जगह है। काफ़ी गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे बिहार में इतना बड़ा शिक्षा बिंदु केंद्र रहते हुए भी हमारा बिहार का शिक्षा व्यवस्था काफ़ी जो प्राचीन में हुआ करता था वो अभी नहीं है। काफ़ी शिक्षा व्यवस्था अभी अच्छा नहीं रहने की वजह से यहाँ पे बेरोजगारी काफ़ी है, आप लोग जानते हैं। हमारा जो भारत है विश्व गुरु तो जरूर है, लेकिन बिहार में शिक्षा व्यवस्था का भी जो जर्जर स्थिति है वो दर्शाता था कि प्राचीन समय में ये शिक्षा का मुख्य केंद्र था, और यहाँ पे पढ़ पढ़ के विद्वान बन चुका आदमी सब। और यहाँ पे देखिए शिक्षा का इतना बड़ा व्यवस्था है, हमारे समय में अभी नहीं है, सिर्फ देखने के लिए रह चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं कितना बेहतर व्यवस्था था बनाया हुआ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के। आप लोग अगर आते हैं बिहार से हैं तो एक बार ज़रूर आए यहाँ घूमने के लिए, काफ़ी अच्छा जगह है। हम लोग ऊपर जाएंगे, देखिए इस तरह से बनाया गया है वर्गाकार, जो कि आप वहाँ पे पढ़े चतुर्भुज चारों तरफ इसका रास्ता है, देखिए उधर भी एक रास्ता जाता है, फिर उधर जाएगा। आयताकार में बटा हुआ है, आयत ही हुआ ना ये, इस तरह से देखिए दोस्तों आप करीब से देखिए पत्थर किस तरह से, कितना बड़ा बड़ा ईटा उस समय भी हुआ करता था ईट। देखिए यहाँ पे कुछ आपको कलाकृति भी मिल जाएगी देखने के लिए, देख सकते हैं यहाँ पे दीवार पे, देखिए यहाँ पे पक्षी का सिंबल है, देखिए यहाँ पे एक नारी का सिंबल है, फुटबॉल का हो सकता है यहाँ पे, ये कंधा पे एक्सरसाइज और फुटबॉल का सीन बनाया गया। पहले जमाने का ईटा देखिए कितना चौड़ा होता था। हाँ देखिए, ये एक्सरसाइज करते हुए दिख रहा है, ये मुझे तो एक्सरसाइज करते हुए योगा का और फुटबॉल यहाँ पे खेल का देख सकते हैं, कंधा में फुटबॉल है, देन उसके बाद वो योगा पे है, हो सकता है सब तरह का शिक्षा दिया जाता है। यहाँ पे जो भी चीज़ हम बताए दोस्तों वो एकदम 100% सही है। यहाँ पे जितने भी चीज़ न्याय दर्शन व्याकरण ये सब का काफ़ी यहाँ पे पढ़ाया जाता था। यहाँ पे देखिए चित्र सब, यहाँ पे देखिए हाथी वगैरह का
भी सिंबल यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए आसानी से। देखिए मेरा भैया दो आदमी आए हुए हैं घूमने के लिए, कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत जबरदस्त। कुछ अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे बिहार में इस तरह शिक्षा व्यवस्था पहले था? हाँ हाँ, रोड वगैरह अच्छा नहीं है, बात करते हैं उनसे, उनको कैसा लगा और क्या इसमें सुधार शिक्षा व्यवस्था में होना चाहिए उनके बारे में हम बात करते हैं। बताइए यहाँ के बारे में क्या, अभी तक में आप क्या देखें? देखिए मैं, हम लोग जो है इतिहास के विद्यार्थी हैं, तो ये सब पुराना चीज़ हमारे जो विरासत है धरोहर है, उस सब देखने में अच्छा लगता है, नो डाउट। भैया भागलपुर से आए हुए हैं दोनों, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आकाश कुमार हुआ। अच्छा आकाश भैया, और आपका? जी मेरा नाम सौरभ कुमार हो, बट यहाँ तो देख रहे हैं कि रोड का कंस्ट्रक्शन बहुत ख़राब है और इतना ऐतिहासिक ये स्थल है जिसको यहाँ पे डेकोरेट करके बढ़ावा देना चाहिए। हाँ सरकार का दोस्तों इस पे जो है ना विशेष तौर से हम अगर बात करें मुख्य तौर पे सीधा पॉइंट टू पॉइंट, सरकार इस पे, सरकार का भी यहाँ पे ध्यान नहीं है। बिल्कुल बड़ा बात है कि यहाँ पे रोड जो, रोड का व्यवस्था अच्छा कर देना चाहिए। दूसरा बात, गाँव में है लेकिन यहाँ पे इतना बेहतर जगह है देखने का, इतना बड़ा जगह में ये फैला हुआ है, एक रत्ती नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में जहाँ तक आपका ध्यान जाता है सब इसी का एरिया। उस समय में 3000 स्टूडेंट, कितना बड़ा मेहनत तो, उस समय में हजारों पुस्तक यहाँ पे जलाया गया है, है ना? बख्तियार खिलजी का नाम सुने उनके जी, मैं बोलना चाहता हूँ जैसे है क्या इसको सब लोग जानते हैं पालकालीन ये बना हुआ है, नालंदा वाला तो गुप्तकालीन है, ये पालकालीन है, धर्मपाल जी के द्वारा बनाया गया था। और समझिए आज से करीब 1200 ईस्वी के आसपास की कहानी है, जब मोहम्मद गोरे के साथ आया था बख्तियार खिलजी, तब ये सब कांड किया, पहले नालंदा को जलाया फिर इसको जलाया, फिर जाके बंगाल पर कब्जा किया और लक्ष्मण सिर वहाँ से भाग गया। समझिए हजार साल पहले की कहानी है ऑलमोस्ट, और उस समय की विरासत में हम लोग संभालें तो बिहार जो जिस तरह से पहले एक सशक्त देश और राज्य हुआ करता था आज भी बन सकता है। और ये प्राकृतिक के गोद में स्थित एक विश्वविद्यालय है, बगल में गंगा है, बगल में पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल भी है, इसको डेकोरेट करिए यदि सरकार तो बहुत अच्छा, यहाँ पर्यटन का संभावना है। इसे नालंदा और गया को अच्छा ब्रांडिंग किया गया है, नालंदा में देखिए सारे देश से लोग पर्यटक आ रहे हैं, बट यहाँ है कि हम लोग लोकल ही आने में इतना परेशान हुए, आधा घंटा का रास्ता 2 घंटा में सेकंड में लगा। और दूसरा बात कि यहाँ पे ट्रेन का एकदम स्थिति खराब है, दूसरा ट्रेन का स्थिति खराब होने की वजह से भी चौक चौराहे पे आपको अच्छा से होटल नहीं मिलेगा, अच्छा से खाने पीने का कोई चीज नहीं मिलेगा, तो बहुत मुश्किल हुआ हम लोग का, बाइक भी पंचर हो गया था, बाइक बनाने में 1 घंटा हम लोग को लगा, वो तो कई दुकान था। आप लोग देख सकते हैं इतना सारा कठिनाइयाँ से जो भी शौकीन है घूमने का, और बहुत अच्छा जगह है यहाँ पे, अपना बिहार का है तो खास करके आना चाहिए, बाहर से लोग आते हैं घूमने के लिए, खास करके तिब्बत का संबंध है, अच्छा रहा इससे, इस जगह से बौद्धिक राष्ट्र सारे लोग आते ही हैं, जो भी बौद्ध राष्ट्र है। तो चलिए हम लोग घूमते हैं, और भी चीज़ हम दोस्तों आपको दिखाएंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, चाहेंगे शॉर्ट में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो काफ़ी अच्छा लगा भैया सबसे मिल करके, है इसमें काफी खुदाई हो रहा होगा, उसमें बीच में एक पिलर है, वही जो पत्थर का आप दिखाए वहाँ पे आपको यहाँ पे ना टीचर खड़ा होकर के बच्चे लोग को कुछ आदेश देता होगा, मतलब पुस्तकालय हो सकता होगा, यहाँ पे पुस्तकालय होगा, ये कुछ भी हो सकता है, हम लोग को अभी उतना इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम कोई भी चीज को डायरेक्ट नहीं मान सकते हैं कि यही होगा। इसका कुछ अलग उस समय पे रीजन होगा, ये पत्थर रखने का कुछ मतलब होता होगा, ऐसे नहीं देख बोल सकते हैं कि ये कुछ होगा। अभी कितना खूबसूरत जगह है यहाँ, फील्ड देख सकते हैं यहाँ पे काफी बड़ा ये है दोस्तों, ये काफी बड़ा है, ऊपर जाने के लिए अगर होगा संभवतः हम जाएंगे, काफी अच्छा जगह है जैसे कि आपको हम बताए, ये काफ़ी प्राचीन था, आप तो देख सकते हैं ये जो एरिया है कितना बेहतरीन तरीका से बनाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे उस समय का इंजीनियरिंग कितना बेहतरीन हुआ करता था, और अभी का इंजीनियरिंग पुला बनाता है और टूट जाता है, और उस समय का बनाया हुआ चीज़ अभी भी देखिए सुरक्षित रखा हुआ है, और अभी के समय में जो बनाता है वो 4 से 5 महीना में ख़त्म होते हैं। ये जो है आप एरिया देख रहे हैं, ये चार तरफ जो है चारों तरफ ही सेम हूबहू आपको मिलेगा, एक कक्ष हूबहू एक कक्ष मिलेगा, काफ़ी अच्छा जगह है। और दूसरा ये है मैं जो आप चारों तरफ की बल्कि हाँ चारों तरफ इस तरह से बनाया गया है, और बीच में एक वर्गाकार यहाँ पे भी है, ठीक है। और ये जो आप देखते हैं ये एरिया, ये इस तरह से कटिंग किया गया है कि
जिससे देखने में लगेगा, दूसरा तरफ भी उसी तरह का लगेगा, चारों तरफ एक समान देख सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे मिला तो आपको फिर यहाँ पे मिलेगा, उसके बाद इस तरह से मिलेगा। ऊपर जाने का तो मेरा मन 100% है, पर हम जाएंगे नहीं, कितना बेहतरीन चीज़ था ये। देखिए यहाँ से जो है दोस्तों, ये देखिए, ये ऊपर में से जो है दोस्तों, यहाँ देखिए पानी आने का रास्ता है, पानी बोल सकते हैं या कुछ और हो सकता है, लेकिन वो जो गिरता होगा, देखिए उसका, देखिए वो जो गिरेगा इस पत्थर पे गिरेगा, देख सकते हैं, देखिए साफ सफाई के बाद ही पत्थर को काट करके दोस्तों, ये पत्थर को काट करके बनाया गया है, पानी इधर कुछ नहीं बना था लेकिन बनाया गया यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे देखिए ये तीर धनुष, ये देखिए कुछ तलवार का सीन है, कमल का डिजाइन का है, हाँ कमल का सीन। यहाँ पे देखिए नकाशी अद्भुत किया गया है, देखिए डिजाइन कमल का, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेहतरीन सब चीज़ आपको मिलेगा। आज तक इससे पहले हमने ऐसा प्राचीन जगह नहीं देखे थे हम कभी भी, आज इस जगह को देख करके काफ़ी गर्वान्वित महसूस हम कर रहे हैं। ये दोस्तों यहाँ पे जो है इतना सुंदर व्यवस्था था शिक्षा का, इतना सुंदर मतलब बनाया गया विद्यालय था, विश्वविद्यालय जो विश्व में, बल्कि भारत में ही नहीं, बल्कि बिहार में ही नहीं, विश्व का स्टूडेंट यहाँ पे आता था, इसीलिए विश्व गुरु भारत को कहा जाता है। रास्ता तो चारों तरफ दिया हुआ है लेकिन उतरने का जगह एक ही है, इसीलिए हम लोग कहीं से भी उतर रहे हैं कूद कूद कर। आप जो जिस जगह भी हमको देख रहे हैं, ये जगह जो है दोस्तों, ये है मैदान, ये मैदान यानी आप बोल सकते हैं ये जो है, ये जो एरिया है इसमें फुटबॉल वगैरह कोई भी चीज़ खेलने के लिए खेल कूद का जगह ये बनाया गया है, अभी पर्यटन के लिए बन गया है ये जगह, पहले इसमें खेल उल होता होगा, खेल इसमें लिखा गया है गार्डन पे, यहाँ पे जहाँ से प्रवेश किए हैं, जहाँ से एंट्री लिए, वहाँ पे लिखा हुआ खेल एरिया ये, ठीक। शायद आप लोग को ये अच्छा नहीं लग रहा होगा लेकिन मेरे लिए बहुत ही रहस्यमय है, उस समय उस जमाना का अभी हम देखते हैं, उस सदियों का कहानी था, आज हम ऐसा कहानी को देख रहे हैं, ऐसा सिर्फ हमको मूवी में देखने के लिए ऐसा खंडर मिलता था, और ये जो सीन है रियल दुनिया में हम आपको लेके आए हैं, इधर से सब में एक जैसा डिजाइन, सब में एक जैसा बना हुआ आपको मिलेगा, एक तरह से मानिए टी लिखा हुआ, वहाँ से यहाँ तक लिखिए टी, सब टी लिखा हुआ, टी शेप में बना हुआ, आप कह सकते हैं टी टी दिख रहा है, आप लोग को क्या दिख रहा है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। राजा महाराजा का जमाना था, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे दोस्तों, कुछ भी हुआ होगा, लेकिन रियल क्या है हम लोग को सिर्फ किताबी तौर पे मिल जाता है, यहाँ पे ये था विश्वविद्यालय था, पढ़ाया जाता था, यहाँ लाइब्रेरी था, यहाँ पे सब चीज़ का ज्ञान मिलता था, विश्व से स्टूडेंट आते थे यहाँ पे, हॉस्टल छात्रावास का व्यवस्था था, एक उत्तम एक विधि व्यवस्था का कह सकते हैं, यहाँ पे विशेष तौर पर ध्यान रखा गया था, बहुत बड़ा एरिया में ये फैला हुआ है। हम आपको यहाँ पे दिखाए, यहाँ से रूबरू कराए, अपना संस्कृति अपना विरासत में मिला हुआ जगह यह हम आपको पहले दिखाए, सेम इसी तरह का इतना ही वर्गाकार में बना हुआ वो एरिया है, ठीक है, उसके बाद उसी तरह से वहाँ बना हुआ, और बीच में जो गोल देख सकते हैं उसमें लाइब्रेरी हो सकता है, उसमें बहुत सारा बुक हुआ करता था उस समय में रहता होगा, और वहाँ पे जो भी दूर दराज से आते होंगे पढ़ने वाले वो वहाँ पे अध्ययन करते होंगे वो एरिया में, वो जो गुंबद टाइप से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ है, वहाँ पे दिखाए वो भी दिखाए एरिया देखते हैं, असल में मिला हुआ जगह है, उसका आप लुत्फ उठा सकते हैं, काफ़ी अच्छा जगह है, इन्जॉय कर सकते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक ज़माना में अपने राजा महाराजा के समय में जो विश्व स्तर पर विख्याति प्राप्त किए वो अद्वितीय है, अद्वितीय रहेगा हमेशा।
और सरकार इस पर विशेष तौर पर ध्यान देगा तो ये पर्यटन का मुख्य केंद्र बन जाएगा। और है भी वैसे यहाँ पे साधन का व्यवस्था नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा और नहीं तो काफ़ी अच्छा जगह घूमने के लिए। पूरा एरिया आपको दिखाए घूमें और यहाँ पे अभी पानी थोड़ा सा लेंगे, फिर यहाँ से एक टेम्पल है आसपास में ही, हम वहाँ चलेंगे। वसुदेव कुटुंबकम कम, कुटुंबकम का मतलब होता है अतिथि देवो भवः, मेरी वाइफ के मुताबिक। हम लोग कमेंट करके बताइए वसुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है। 2 किलोमीटर बटेसर स्थान है, वहाँ पे मेला लगा हुआ है, हम वहाँ जाएंगे और वहाँ का भी जो सीन है आपके साथ साझा करेंगे। यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, ट्रिंक दृश्य आपको आपके साथ हम यहाँ पे रखे और दिखाए जानकारी दिए। तो अभी चलते हैं बटेसर नाथ बटुकेश्वर स्थान।